नमस्कार, मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम ग्रामीण विकास एवं सहकारिता रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन के अंतर्गत यूनिट संख्या फोर्थ में महिला बाल विकास कार्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व के व्याख्यान में हमने बाल विकास कार्यक्रम के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम भारत में महिला विकास संबंधी कार्यक्रम के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। यूनिट संख्या फोर्थ में इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता ही आता है, जिसमें बाल विकास संबंधी कार्यक्रम, भारत में बाल विकास से संबंधित कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए, या फिर महिला, भारत में महिला विकास कार्यक्रम संबंधी कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए, इनसे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते ही हैं। जैसा कि नाम से ही प्रश्न है, महिला विकास। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा और भी विभिन्न संगठन बना रखे हैं, जिसके माध्यम से महिलाओं के संरक्षण के लिए भारत सरकार, राजस्थान सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा, उत्पीड़न और अत्याचार को रोकने के लिए अनेक प्रकार के कानून भी बना रखे हैं। अब हम बात करें कि भारत में महिलाओं की, तो भारत में महिलाएं 58.65 करोड़ महिलाएं हैं, जो कुल जनसंख्या का 48.46% महिलाएं माना जाता है। तो इस प्रकार से भारत में कुल महिलाओं की संख्या 58.65 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 48.46% माना गया है। तो इस प्रकार से कुल जनसंख्या का 48.46% है। महिलाओं के आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार निरंतर प्रयत्नशील रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में महिलाओं की उन्नति विकास योजनाओं का केंद्र बिंदु रही है। पिछले 68 वर्षों के दौरान इस संबंध में नीति निर्माण में कई परिवर्तन आए हैं, जिनमें 70वें दशक में कल्याण के रूप में 80 दशक विकास नीति भी बनी है, जो 90 दशकों के अधिकार के रूप में पहुंचा है। 2006 में महिला बाल विकास मंत्रालय भी बनाया गया, जो कि महिलाओं के विकास में महत्वपूर्ण प्रयास भी किए गए हैं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, ग्रामीण और शहरी महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। तो अब विद्यार्थियों, हम इसकी चर्चा करेंगे महिला, भारत में महिला विकास कार्यक्रमों की। तो इसमें प्रथम है कल्याण एवं सहायता सेवाएँ। कल्याण एवं सहायता सेवाएं, कल्याण व सहायता सेवाएं भारत सरकार, राजस्थान सरकार के द्वारा दी जाने वाली, जो कि कामकाजी महिलाओं के लिए होटलों के निर्माण की योजना के उद्देश्य से, अन्य संस्थाओं से शहरों की ओर आने वाली निम्न आय वर्ग की महिलाओं को सस्ती दर से सुरक्षित आवास सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, और कुछ होटलों में इन महिलाओं के लिए दिन के समय देखभाल की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। जो यह योजना स्वयंसेवी संगठनों, महिला विकास निगमों के द्वारा जन राष्ट्र स्कूल व कॉलेज, स्थानीय संस्थाओं या राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, जो महिलाओं के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की सहायताएँ देकर, जो भी उनके सामने जो मुसीबतें हैं, उत्पीड़न, शोषण, अन्य मुसीबतों से निपटारा भी किया गया है, जो कि 361 अल्पावधि के लिए आवास गृह भी उपलब्ध करवाए गए हैं। तो इस प्रकार से 1969 में भी महिला के लिए आवास सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं, और उनके कल्याण के लिए आर्थिक सहयोग या सहायता राशि उनको उपलब्ध करवाई गई है। और महिला विकास के लिए है रोजगार और प्रशिक्षण।
जैसा कि नाम से प्रचलित है, महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना, उनके उनको स्वावलंबी बना करके उनको प्रशिक्षण देना जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें, उनको रोजगार प्रशिक्षण की सुविधाएं दी गई, जो कि प्रशिक्षण 1987 से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को निरंतर दिया जाना है। जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है उनको ऊपर उठाने के लिए उनका लक्ष्य निर्धारित किया गया। अगला है स्वावलंबन। स्वावलंबन भी है। नॉर्वे के विकास में एजेंसी नोराड 1982-83 में प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नया नाम स्वावलंबन रखा गया है, जो नॉर्वे के विकास की एजेंसी की सहायता महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों को गैर परंपरागत व्यवसायों आदि के लिए उनको 3.95 लाख महिलाएँ लाभान्वित हुई हैं या लाभान्वित, जो 1 अप्रैल 2006 से इन राज्यों के रूप में अंतरित किया गया है। तो स्वावलंबन के आधार पर उनको विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए गए हैं जिससे आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। अगला है स्वयं सिद्धा। स्वयं सिद्धा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो इंदिरा गांधी महिला योजना के नाम से प्रारंभ की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के निचले स्तर पर महिलाओं के विकास के लिए या महिलाओं को संगठन करना है और इसके लिए अधिकार संपन्न बने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी भूमिका निभा सके, जो 20 अगस्त 1995 से 20 विकास खंडों में इसकी शुरुआत की गई। यह है योजना असली ताकत के अंतर्गत गठित की जाने वाली महिलाओं पर निर्भर है। तो इस प्रकार 2016-17 में स्वधार योजना के लिए 22.8 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिसमें 550 स्वधार गृह बनाकर 16,500 महिलाओं को लाभान्वित किया गया। इसके अंतर्गत स्वयं सिद्धा के अंतर्गत 69,803 स्वयं सहायता के लिए दिए गए। अगला है स्वयं शक्ति। स्वयं शक्ति कार्यक्रम भी महिलाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। इसके लिए विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के माध्यम से सहायता दी गई, जिसमें महिलाओं के अंतर्गत 17,000 CSG या 1,270 क्लस्टर बनाए जा चुके हैं, जो स्वयं सिद्धा के रूप में भूमिका। इसका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य, चिकित्सा, आत्मविश्वास, आय कुशलता को बढ़ाना है। तो स्वयं सिद्धा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। बालिका समृद्धि योजना है। बालिका समृद्धि योजना भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। बालिका समृद्धि योजना एक रूप से महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। बालिका समृद्धि योजना के जनों को 2 अक्टूबर 1997 में इसको लागू किया गया। 2 अक्टूबर 1997 में जो बालिका समृद्धि, बालिकाओं के उत्थान के लिए या उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार ने विभिन्न केंद्रीय सहायता उपलब्ध करा करके भी उनको लाभान्वित किया गया। सातवां बिंदु है वयस्क महिलाओं को शिक्षा व प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना। वयस्क महिलाओं को शिक्षा एवं प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना। अगर महिलाओं को शिक्षा व प्रशिक्षण उपलब्ध करवाएंगे तो आसानी से अपना कार्य या अपने जीविकापार्जन का साधन वो कर सकेंगे, इस पर निर्भर नहीं रहेंगी। तो उनके लिए ये योजना 1958 में शुरुआत की गई। इसके कल्याण समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा इसको लागू किया। इसका उद्देश्य विशेष रूप से स्कूली शिक्षा के बीच में छोड़ चुकी बालिकाओं को पिछले 2 वर्षों में 2,000 कार्यक्रम पाठ्यक्रम कार्यक्रम के तहत 50,000 महिलाओं को बालिकाओं को इन्होंने महत्वपूर्ण लाभ उठाया। अगला है बिंदु सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम।
सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम, समाज में सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम की भी महम भूमिका रही है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्वयं सेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिसमें छोटी व्यवसायिक इकाइयाँ, हाथकरघा, हस्तशिल्प, कृषि आधारित कार्यों को सम्मिलित किया गया, जिसमें आसानी से वो अपना जीवन यापन कर सकें। तो इस प्रकार भी ये सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम भी भूमिका रही है। एक महिला समृद्धि योजना, महिला समृद्धि योजना भी एक सहम भूमिका रही है, जो कि 1.32 लाख डाकघरों के माध्यम से महिलाओं को 2 अक्टूबर 1993 को देश भर में 1.32 लाख ग्रामीण डाकघरों के माध्यम से लागू की गई, जिसमें ग्रामीण महिलाओं की बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई, जिसमें 885 खंडों में इसको लागू किया गया। लगभग 20 लाख महिलाएँ इसमें लाभान्वित भी हो सकी हैं। दसवीं हम बात करें महिलाओं बच्चों के लिए यौन उत्पीड़न के लिए विरुद्ध कार्यवाही, महिलाओं और बच्चों के लिए यौन उत्पीड़न के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान रखा गया, जो कि 9 जुलाई 1997 में एक उच्चतम न्यायालय के द्वारा वो आदेश पारित किया गया, जिसमें वेश्यावृत्ति की समस्या, बाल वेश्यावृत्ति संतानों संबंधी जो कि उनका गठन इस प्रकार से किया है, जिसको रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिए, जो कि एक प्रोटेक्शन वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी लागू किया गया 2005 में, जो 14 सितंबर 2005 से ये क्रियाशील रहा। तो इस प्रकार ये भी है एक राष्ट्रीय महिला आयोग, जैसा कि आप जानते भी हैं राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की भी एक महत्वपूर्ण है, जो कि महिला को होने वाले जो भी परेशानी है जो राष्ट्रीय आयोग में जाकर के ये कर सकती है। इसका गठन 31 जनवरी 1992 को किया गया था, 31 जनवरी 1992 को इसका गठन किया गया। इसका मेन उद्देश्य एक अधिनियम के तहत है, जो कि उसके अधिकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को एक प्रोटेक्शन दिया गया है। एक राष्ट्रीय महिला कोष बनाया गया, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर महिलाओं को उपयुक्त धनराशि देकर के उनको लाभान्वित, इसमें 31 करोड़ रुपए पूंजी राष्ट्रीय महिला कोष के द्वारा गठन किया गया 1992 और 1993 में। तो इस प्रकार 31 मई 2003 तक 31 करोड़ रुपए मंजूरी देकर के 1051 गैर संगठनों के माध्यम से 4.63 ग्रामीण महिलाएं या लाख महिलाएं लाभान्वित हुई। इन कोष में 227 करोड़ रुपये हुए, जो छोटे छोटे ऋण के अतिरिक्त महिला राष्ट्रीय महिला कोष के रूप में स्वयंसिद्ध कार्यक्रम में समन्वय स्थापित किया गया। तो इस प्रकार राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, राष्ट्रीय जन सहयोग बाल विकास संस्थान के द्वारा भी क्रियान्वित किया गया। एक महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति, महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति के आधार पर भी इसका किया गया। एक केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन किया गया, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के गठन के द्वारा भी महिलाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका की निर्वहन किया गया। खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें महिलाओं को खाद्य एवं पोषाहार की उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाया जा सके, जिसमें मुख्यतया 18 राज्यों में सम्मिलित किया गया। एक सूचना जनशिक्षा भी महिला के विकास कार्यक्रम में सम्मिलित है, जो कि उसमें जनसंचार के माध्यम के द्वारा सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता
लाना है जिसमें महिला आसानी से अपने अधिकारों को समझ सके और पहचान सके। एक जेंडर बजट के माध्यम से भी जो 2006-07 में इनका गठन किया गया जेंडर बजट। के आधार पर भी महिला संगठन योजना के तहत जेंडर बजट योजना भी प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय नीतियों कार्यक्रमों को संभावित जेंडर की धारा मुख्य धारा जोड़ना और उसे विभेद लिंग भेद के दूर करने के लिए अंतिम ध्येय के रूप में कार्य करना, जेंडर न्याय के लिए समर्थनकारी वातावरण बनाए रखना, महिलाओं को सशक्त करना, ये कार्यक्रम दिया गया। जेंडर बजट में 2014-15 में लगभग 57 मंत्रालयों विभागों की मांगों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को 18,500 करोड़ रुपये आवंटित भी किए गए। तो इस प्रकार महिलाओं एवं बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रम 2017-18 में किया गया, जिसमें एकीकृत बाल सेवा, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सम्मिलित किए गए। तो इस प्रकार हमने आज महिला और बाल विकास कार्यक्रम के बारे में चर्चा की और आपकी ये यूनिट संख्या 4th यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी। अगले वीडियो में हम यूनिट संख्या फाइव का अध्ययन करेंगे, सहकारिता की विचारधारा, सहकारिता की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, और जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, सहकारिता के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो इनसे संबंधित हम अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।